आज हम करेंगे रावलपिंडी बोर्ड 9th क्लास का जो मैथ का पेपर हुआ था 2018 में ग्रुप वन का पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9th का। तो इसका सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसमें डेफिनेशंस होंगी वो बताता जाऊंगा कि आप लोगों ने वो कहां कहां से तैयार करनी है, और जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर वन है इसका, डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम आपने डिफाइन करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक वो होती है जिसकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके पार्ट नंबर टू की तरफ चलते हैं। उसमें कहता है फाइंड ए बी इफ, कैसा लिखा हुआ है, फाइंड ए बी इफ ए एंड बी, वैल्यू उसने दे दी है और हमने ए बी का मतलब है कि प्रोडक्ट फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी, ए बी ए की जगह ए की वैल्यू लिखता हूँ 3 0 -1 2, फिर बी की वैल्यू लिखता हूँ 6 and 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला रूल अप्लाई होगा, 3 × 6 + 0 × 5, पहला पहले के साथ होता है और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, पहला पहले के साथ होगा +2 × 5, तो ये आ जाएगा ऊपर 18 + 0, 6 × 1 = 6 - 6 + 10। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 18 + 0 18 ही होते हैं और 10 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 18 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये था पहला जिसमें रोज़ और कॉलम ऑपरेशन के जरिए हमने मल्टीप्लाई करना था। अब इसका पार्ट नंबर 3 है सिंप्लीफाई। एक्सरसाइज 2.4 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो वेरिएबल होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेम अगर वेरिएबल हो, बेस सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उस रूल से अप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो -16 आ जाएगा। x की 5 और x की 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी 5 - 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस थी तो इसलिए प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब y की पावर है -4, इधर जब 2 मल्टीप्लाई होगी तो +2, पावर्स ऐड हो गई हैं। अब 16 x की पावर 5 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 2 -4 + 2, y की पावर बचेगी -2। अब देखें कोई भी पावर अगर माइनस में हो तो उसको नीचे लेके जाएं तो वो प्लस में हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर +2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे एक दो हमारे पास चीज़ें माइनस हो रही हैं, उसका होल का स्क्वायर है, तो फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये a और ये b है तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, a का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a हमने लिया है √5 और b हमारे पास है 3i प्लस b का स्क्वायर 3i का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 3 = 6i √5, जो √ के बाहर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9i का होता है आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, जब -1 पुट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा -9, क्योंकि -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही आ जाएगा। अब 5 9 में से माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा, और -6 √5 आयोटा पहले लिखो या इसके साथ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर आएगा। जस्ट आपने फार्मूला ओपन करना है a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। उसे कहा है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करें, जबकि उसने क्वेश्चन दिया हुआ है log √3 ऑफ x इज इक्वल टू log, ये उसकी बेस है। अब इसमें ये 3.2 से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा जब भी लॉग खत्म करेंगे तो इसकी पावर में ये आ जाएगा, जो भी बेस होगी उसकी पावर में, इक्वल के सामने जो भी नंबर होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 आ जाएगी, इसकी पावर में ये आ गया और ये वाली चीज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि इक्वल के सामने चली जाएगी। जब भी आप लॉग को ख़त्म करेंगे इस तरह का रूल अप्लाई होगा, इसकी पावर में ये वाली चीज़ आ जाएगी और ये इक्वल के सामने चली जाएगी। अब 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 81 के, तो एक्स का आंसर आ गया 81। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। 3.1 से ये क्वेश्चन लिया गया है जिसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने चेंज करना है। तो इसमें अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट
राइट साइड पे शिफ्ट करता है, अगर 10 की पावर माइनस में हो तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाता है, यानी कि अब यहाँ पे 10 की पावर 8 टाइम है तो 8 टाइम पॉइंट आगे चला जाएगा। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, अगर 10 की पावर यानी 10 की जो ताकत होती है वो जमा हो यानी कि प्लस हो तो पॉइंट जो है वो उतने टाइम आगे चला जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं उतने पॉइंट पहले कर देता यानी कि पीछे लेके जाता, तो पीछे 0-0 लिख देते, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 से, ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा उसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा एक्स प्लस 2। इसी तरह अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है ये, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, बिल्कुल सेम। इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो इक्वल होता है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 के। अब जो सेम सेम वैल्यूज है वो काट देते हैं, ये और ये काट जाएंगे, बाकी जो भी बचेगा वो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है सिंप्लीफाई करें। 4.3 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये टाइप बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये उसी तरह है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक में प्लस है और एक में माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर अप्लाई करते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, माइनस ये और ये कट गया, यहाँ पे आएगा 3। अब 9 में से 3 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने टाइप को देखना है कि कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें वो कहता है इसको सॉल्व करें फैक्टराइज, तो ये 5.2 का क्वेश्चन है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट आपने पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है 42x के, और दरमियान में क्या है हमारे पास माइनस 11x। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए, तो 42 को आपने जस्ट उसका एलसीएम ले लेना है। इस पर अगर 2 का टेबल जाए तो जाएगा जी 2 एंड 1 टाइम, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आ जाता है, लेकिन 22 में से प्लस माइनस 2 करो तो 11 नहीं आता, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो नहीं बनेंगे। अब 3 से करते हैं, 3 का टेबल इस पर 1 टाइम जाता है, 3 का टेबल इस पर 4 टाइम, अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो 42 आ जाता है, 14 में से 3 माइनस करो तो 11 भी आ जाता है, इसका मतलब यही दो फैक्टर्स बनेंगे। तो फैक्टर्स आपने कैसे बनाने हैं, यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ आपने माइनस, यहाँ पे जो भी साइन यहाँ पे हो बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा वही साइन लगाना है। अब एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा, प्लस का होगा तभी हमारे पास 11 आएगा 42। अब दो दो फैक्टर बन गए, पहले में से x कॉमन लिया, बाकी बचेगा x माइनस 14, इन दोनों में से 3 कॉमन लूँगा, प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे x सिर्फ बचेगा, माइनस 3 का टेबल इस पर जाता है 14 टाइम। अब देखें x माइनस 14 x माइनस 14 दोनों जगह पे मौजूद है, कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा x प्लस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 9 पार्ट्स थे। वैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 6 पार्ट्स करने होते हैं, यहाँ पे मैं सारे पार्ट्स आप लोगों को कराऊंगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है डिफाइन एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आपने चैप्टर नंबर 6 से इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 7.1 से, ये क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका एक पार्ट है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट 3 लिखा हुआ, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट की वैसे जो पावर होती है 1/2 होती है, अगर बाहर कोई भी नंबर आ जाए तो वो उसकी पावर में आ जाता है, तो इसको पहले मैं तो लिखता हूँ 3x प्लस 5 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। अब इसको हमने ख़त्म करना है, जब भी किसी पावर को ख़त्म करना हो अगर 1/3 हो तो उसके उलट उसकी पावर ले लेते हैं। अब 1/3 को काटने के लिए टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे मैं क्यूब लेता हूँ, 3x प्लस 5 की पावर 1/3 थी तो इसका मैंने क्यूब ले लिया, x माइनस 1 की पावर थी 1/3 इसका भी मैंने क्यूब ले लिया, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, बाकी बचेगा 3x प्लस 5
विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब एक्स वाला नंबर एक तरफ करते हैं, इधर प्लस एक्स है इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस फाइव है उधर जाएगा तो माइनस फाइव बन जाएगा। यहाँ बचेगा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, टू का टेबल जा रहा है थ्री टाइम, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री। जस्ट आपने इस पावर को कटिंग करनी है क्यूब लेके और उसके बाद एक्स को एक साइड पे करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसके पार्ट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर थ्री 7.2 से लिया गया है। अब इसमें मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मॉड की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी मॉड खत्म करते हैं वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाती है और एक दफ़ा माइनस में आ जाती है, यानी कि प्लस माइनस फोर आ जाएगा। इसको एक दफ़ा प्लस में लेके सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेके सॉल्व करेंगे, दरमियान में लाइन लगा देता हूँ मैं। अब माइनस फाइव है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। जब भी इस साइड पे कोई वैल्यू माइनस की हो दूसरी साइड पे जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। अब फोर प्लस फाइव करेंगे तो ये नाइन हो जाएगा। थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। थ्री थ्री इधर नाइन, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई थ्री। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री एक्स माइनस फाइव है उधर जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। फाइव में से फोर निकलेगा इधर वन आ जाएगा। अब थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, एक थ्री एंड वन बाई थ्री, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर थ्री। अब इसका पार्ट नंबर फोर है। पार्ट नंबर फोर में वो कहता है प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर, यानी कि आठवें चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसको हमने ग्राफ पेपर मार्केट से मिल जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर इसका ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे होता है x एक्सिस और यहाँ पे होता है y एक्सिस, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स शो होते हैं, यानी कि तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शो कर देता हूँ ग्राफ पेपर पे, ये सही बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हर जोड़े में पहला नंबर जो होता है वो x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है, x का और y का। तो पहले जोड़े को पहले शो करते हैं। x की वैल्यू है ज़ीरो, मीन्स x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और y की वैल्यू है सिक्स, प्लस सिक्स है तो ऊपर वाली साइड पे एक दो तीन चार पाँच, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये लाइन बनेगी P इंटू ज़ीरो सिक्स, एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया, ठीक है। उसके बाद थ्री इंटू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू थ्री है तो थ्री टाइम यहाँ पे जाएंगे, एक पॉइंट इसका ये बन रहा है थ्री, और दूसरा पॉइंट वाई का ज़ीरो बन रहा है, तो वाई ज़ीरो तो यहाँ पर ही होगा, तो दूसरा पॉइंट बन गया जी यहाँ पर क्यू थ्री ज़ीरो, यानी कि ये दो लाइनें इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर पे शो हो जाएगा। जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सही आ जाएगी। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन थी, इससे नेक्स्ट डिफाइन ओरिजिन, तो ये आप लोगों ने लिख लेनी है डिफाइन ओरिजिन। आठवें चैप्टर से ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिस्टेंस फार्मूला, तो आपने सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिख देना है। तो लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल के और होल का स्क्वेयर रूट आ जाता है, तो ये इसका डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड मिड पॉइंट, तो सबसे पहले मिड पॉइंट का मैं फार्मूला लिखता हूँ। मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये इसका फार्मूला होता है। ये एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, ये एक्स टू होता है, ये वाई टू होता है, क्योंकि पहला नंबर जो भी जोड़े में पहला नंबर होता है वो x का x की वैल्यू होती है और दूसरा y की वैल्यू होती है, क्योंकि ये पहले नंबर पर है तो ये 1 1, ये दूसरे नंबर पर है तो ये 2 2 हो जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करता हूँ, माइनस एट प्लस सिक्स बाई टू, एक्स वन और x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ पे भी उसी तरह 1 प्लस 1 बाई टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस टू डिवाइड में टू आ गया, यहाँ पे बचेगा टू डिवाइडेड बाई टू, टू का टेबल इस पर वन टाइम, टू का टेबल इस पर वन टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन और वन, तो ये आ जाएगा इसका इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट, यानी ए बी पॉइंट्स का ये आ जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट। तो आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, बल्कि हमारे पास हाँ जी आखिरी पार्ट है इसका। इसमें हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है, दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। याद रखिएगा जब भी हमारे पास दो एंगल दिए हों और तीसरा एंगल फाइंड करना हो, तो आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ट्राई एंगल है, उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180। तो आपने क्या कर लेना है, ये मेजरमेंट एंगल L है, आपने मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल M प्लस मेजरमेंट एंगल N विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन तीनों
एंगल्स को प्लस करें तो क्या बनता है 180 डिग्री। अब जिस जिस एंगल का हमें पता है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। इसका नहीं पता तो उसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास 90, इसकी वैल्यू है 60 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करो तो 150 आता है। 150 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल एल की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्योमेट्री से आ रहे हैं। मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ, लेकिन इस पे ज्योमेट्री से मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जितने भी हैं वो हम ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मज़ीद और भी पेपर में सॉल्व कराऊँगा, कोशिश करूँगा कि इसके जो पिछले 3 या 4 साल के पेपर हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मैथ के 9th और 10th क्लास के मैं सॉल्व कराता रहूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।